करने लायक भी नहीं है। देखो आप कितनी गलतियां कॉपी में। गलती सब राउंड लगा रखे हैं गलती के, चेक करने वालों ने फिर भी इसको बड़ा चढ़ा के नंबर दिए। इसको पूरी को देखोगे तो 45 नंबर लेने लायक ये आदमी नहीं है। ये देखो कौन है सर, ऐश्वर्य नीरव मात्रज्ञा मृणमय, ये देखो सब उपसर्ग सब गलती जवाब दिए और सब में नंबर दे दिए जम के। ये देखो दस्तूर को तो दुस्तर कर रहा है, दुस्कर को। अब ये है रोल नंबर 80 अब ये मैंने शॉर्ट में कहानी दी है जिसमें किया क्या है, कैसे कबाड़ा हुआ। ये सरकारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कॉपी चेक करने के लिए नहीं दी गई। यहाँ भी जैसे रीड हुआ था ना वैसे प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों से जांच कराई और एमडीएस के कुलपति आरपी सिंह को जिम्मेदारी दी जो 9/9/2020 को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मतलब जो पहले से जो एसीबी में गिरफ्तार हो चुका दूध की रखवाली बिल्ली को दे डाली और इसने कॉपी चेक करवाई तो कॉपी हुई एमडीएस कॉलेज यूनिवर्सिटी में। क्यों भाई? और एमडीएस यूनिवर्सिटी में न तो सीसीटीवी कैमरे लगाए न आने जाने वालों किसी का हिसाब लिया गया। कॉपी चेक करके इसमें मन चाहे नंबर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के लोगों ने दिए हैं। इसमें शिव सिंह राठौर की भूमिका का बिल्कुल प्रमाण दिए हुए हैं। इसमें दीपक, आप सुन लो ध्यान से, एक चीज और महत्वपूर्ण आ गई। ये रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 वो नंबर हैं जिनको सबको आरएस बनाया है, जिनको सबको आरएस बनाए हैं उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ाकर। ये मैंने आरटीआई में लिया है। उक्त लोगों की उत्तर पुस्तिका को दोबारा भरवाया गया और बढ़ा चढ़ के नंबर दिए। पहले लिख दिया नॉट अटेम्प्ट चेक करने वाले ने, बाद में नॉन अटेम्प्ट के ये जो 11 आरएस हैं इनकी परीक्षाएं दोबारा उपलब्ध करा दी गई और इनको बढ़ा चढ़ा के नंबर दे दिए और 11 लोग जो आरएस बनने लायक नहीं थे उनको आरएस बना दिया। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको आरएस बनाया गया है जिसमें एक्स चेयरमैन दीपक कुप्रेती, एक्स चेयरमैन शिव सिंह राठौर और अभी के चेयरमैन संजय सुरतिये इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं आपको आज ये कहने के लिए आया हूँ, वहीं भी ये कहने के गया हूँ मुख्यमंत्री जी कार्यालय को कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की परीक्षा विशेषकर आरएस की परीक्षा की जाँच कराई जाए। मेरे को उन्होंने एसओजी से जांच कराने का कहा है, मुख्यमंत्री जी आएंगे तब मैं प्रयास करूंगा कि ये जांच सीबीआई की जाए। जयश्री पेडीवाल का तो इसलिए जिक्र किया है कि जो दीपक उत्प्रेती है उनकी धर्म पत्नी वहाँ वाइस प्रिंसिपल और जो टॉपर है
उसके बच्चे वहां पढ़ते हैं और उसके थ्रू उसके संपर्क आए इस वाइस प्रिंसिपल से, और जो टॉपर है उसका पति प्रोफेसर है और उसके कागज मेरे पास है, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, जिसने ये कहा है कि मैंने 1 CR देके मेरी धर्म पत्नी को टॉपर करवा लिया। उसकी रिकॉर्डिंग है, 1 CR देकर मैंने मेरी धर्म पत्नी को टॉपर करवा, उसके प्रमाण में एजेंसी को दूंगा, क्योंकि आप लोगों को दे दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन प्रमाणों को मिटाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये महत्वपूर्ण है यही कि अपनी धर्म पत्नी को पास टॉपर बनाने के लिए 1 CR दिया गया, और एक प्रकरण ऐसा है जिसके मिलने वाले ने कहा कि मेरे भाई को इंटरव्यू में 82 नंबर आएंगे, तो 82 नंबर का फोन चेयरमैन भूपेंद्र यादव को किया, 82 आएंगे और 82 नंबर ही आ गए, 82 नंबर आएंगे इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और 82 नंबर आ गए इंटरव्यू के बाद में, वो तो आप पता कर सकते हो उसका रोल नंबर क्या है, बता दें। तो इसका क्या कारण है कि AOG यानी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप जिन चीजों को फाइंडिंग्स कर लेता है, SOG और दूसरी एजेंसी उनको नहीं पकड़ पाते? मैं तो वो तो लगा ही रहता हूँ उनका नाम। इसके अलावा ये एक तो नया धमाका है, अभी तक रीड की बात की थी, SI की बात की, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल जयपुर से आप किरोड़ी लाल मीणा को सुन रहे थे, जहां पर वो सचिवालय पहुंचे हैं, RPSC में हुए घपले के मामले में CMO पहुंचे हैं, फिलहाल पेपर लीक को लेकर चर्चा वो करते हुए नजर आए। व्हाट्सएप है, उतने नंबर आए और पैसा देकर टॉप कराया, और तो इसलिए इसकी समूची जांच वैसे तो CBI से होनी चाहिए, लेकिन SOG पर भी भरोसा है, क्योंकि VK सिंह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं मांग करूंगा SOG से कि वो तुरंत ये सारे रिकॉर्ड जब्त करें, तीनों एक्स चेयरमैन जो RPSC रहे उनसे जांच करें, और गोपनीय शाखा से सारे पेपर गए, वो नाम भी मैंने छुपा लिया है, तो जब एजेंसी जांच करेगी तो वो नाम बता दिया, तो मैंने 3 नाम छुपाए। जितने भी आरोप लगाए थे वो लगभग सारे सिद्ध होते, ये भी सही निकले। 11 जो RS हैं जिनके नंबर ढंग के नहीं आए, उनकी कॉपी दोबारा पैसे लेके जांच की गई, इसका मतलब 11 नहीं अनेकों होंगे, 11 तो मेरे हाथ लग गए। जो RS बनने लायक नहीं थे उनको RS बनाया, उनके रोल नंबर मैंने दे दिए, जो 145 नंबर ले गया जिस कॉपी में 45 नंबर भी नहीं ले सकता वो रोल नंबर आपको दे दिया, टॉपर का रोल नंबर मैंने दे दिया, और किसने 1 CR लेके उसको टॉपर कराया उस व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूंगा, जो भी जांच एजेंसी इसमें जांच करेगी। सर ये 13 हुए टोटल, 11 तो 13 13 12 और 2 टॉपर, 13 उनको तो पहले ही कॉपी दे दी थी, 13 और इनको बाद में कॉपी पेपर दे दिया था, पेपर उनको तो पहले पेपर दे, 13 है गिनने पर रिवाइज किया, दोबारा से रिवाइज किया, योग्य नहीं थे फिर भी योग्य करेगा। शिव सिंह राठौर ने तो ट्वीट किया था और वो ट्वीट क्वेश्चन पेपर में आ गया जो 10 नंबर का था, तो उससे तो घने RS बन गए, तो शिव सिंह राठौर से तो आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन पेड़ीवाल के उस वाइस प्रिंसिपल से पूछा जाए, इस जो टॉपर के बच्चे वहां पढ़ते थे उससे इनके क्या रिश्ते थे, और शिव सिंह राठौर के थ्रू उसको टॉप कराया गया, किसने पैसे दिए 1 CR वो मैं नाम एजेंसी को बता दूंगा। तो सर क्या साथ मिला आगे से क्या कहा गया है, उन्होंने SOG का कहा, नए जिलों को लेकर कांग्रेस कह रही है कि बोले कि ये जो सही बनाए आपका क्या कहना है? काहे का बनाए, हमारे सवाई माधोपुर जिले के 4 टुकड़े कर डाले,
फिर भी इफेक्टिविटी कोई ढंग की आई नहीं। दूदू जयपुर में नजदीक है, जयपुर नजदीक। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं डालना चाहता क्योंकि वो राजनीतिक बयानबाजी है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन राज्य की जनता समझती है एक जिले पर 2000 करोड़ का भार आता है। ऐसे जिले जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है उसे सरकार खत्म करने जा रही है। आरएस भर्ती को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने आज फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी मीणा जी, आज आपने बात करी है जिस तरीके से आरएस जो भर्ती है उसके अंदर घोटाले हुए हैं, क्या कुछ आपने पक्ष रखे हैं इस पूरे मामले में? आपने सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी है। सुनो, 2018 2021 सब पेपर लीक हुए या पहले ही पेपर दे दिए गए, टॉपर को भी पहले ही पेपर दे दिया गया और ऐसे रोल नंबर भी हैं 13 जो परीक्षा में पास नहीं हुए उनकी कॉपी में दोबारा बड़ा नंबर बढ़ा दिए गए। और ऐसे हमारे पास कागज भी हैं कि गोपनीय शाखा से कैसे पेपर लीक हुआ। तो मैंने सरकार से ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर में गड़बड़ घोटाला हुआ है वैसे ही पिछले राज में आरएस में भी हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर आपने जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की मांग की है। वैसे तो इसलिए एसओजी के पास उतना स्टाफ नहीं है, दृश्य बाकी तो एसओजी से कराए, मेरा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये थे किरोड़ी मीणा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो आरएस भर्ती हुई है उसके अंदर घोटाला हुआ है, 13 ऐसे जो टॉपर हैं उन्हें पहले ही जो पेपर मुहैया करवा दिया गया था। अब देखना ये होगा कि किरोड़ी मीणा फिर एक बार फिर पहुंचे हैं इस पूरे जो आरपीएससी के जो घोटाले को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर जांच एजेंसियां हैं वो जांच में आगे बढ़ पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद रोशन। और रोशन दिखा रहे थे क्योंकि आरपीएससी पेपर में धांधली को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रही हैं। उनका ये साफ कहना है कि जो आरएएस बनने के लायक नहीं थे उन्हें आरएएस बनाया गया। कांग्रेस के राज में सभी पेपर लीक।